भाई भाई नेगेटिव लोग पक्ष में आके ना फिर बाद में नेगेटिव नहीं हो जाना था हमने। भाई प्रवीण भाई देखो अपन दोनों भाई अंदर गए थे तो हाँ तो भाई मैं चाहता हूँ कि सभी भाइयों को जितने भाई बहन खड़े हैं इन सब की मतलब एक संतुष्टि हो जाए क्या अंदर बातें हुई क्या नहीं हुई हैं वो बताइए एक बार। चेयरमैन साहब तो पेट का है भाई बताऊंगे भीतर के बातचीत हो। बिल्कुल भाई बिल्कुल ठीक है भाई। और कौन जा रहा था भाई अभी चेयरमैन साहब से तो उन्होंने अलाउड नहीं किया भाई बोले दो जने आ सकते हैं। पहले जब हम गए थे तो 6 जने गए थे दो लड़कियां और 4 लड़के। उसके बाद अब चेयरमैन साहब से मिलने की हमने रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने मना कर दिया था कल यार। फिर वो हम बोले जी दूर दूर से आए हैं हमारे सवाल है चेयरमैन साहब से मिलना हमारा मकसद है या सेक्रेटरी साहब से मिलवा दो आप ठीक है। तो उन्होंने हमें अभी टाइम दिया है बोले दो बंदे आ जाना तो हम दो जने गए थे अंदर चेयरमैन साहब से जो सवाल थे अपना भी हो जाए कांस्टेबल का तो अभी चेयरमैन साहब से जाके हमने पहले सवाल पूछा था तो जाते ही है ना वो थोड़े से मतलब गुस्से में हो रखे थे भी चेयरमैन साहब कह रहे थे भी हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और दूसरी बात कि आपने CM साहब से कह दिया ये कह दिया वो कह दिया लेकिन सारा काम लीगली चल रहा है हमारा फिर भी हमने कोशिश की भी चलो आपका रिजल्ट दे दिया जो सही तरीका था उसके हिसाब से रिजल्ट दिया उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा लेकिन कुछ कारण से अभी ये मामला थोड़ा सा रुका हुआ है। इसमें मान लो कुछ भी जज ऐसे कह देगा कि मेरे पूछे बिना आपने रिजल्ट दे दिया ये भी अपने आप में एक ईगो होती है अगले की भी अगला ऐसे कह रहा है भी मेरे पूछे बिना कैसे दे दिया तो ये हमें नीचे देखना पड़ रहा है थोड़ा सा। लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब ये मामला जल्दी से ख़त्म करेंगे और कहिए हमने कहा था जी ऐसे कह रहे हैं भी भर्ती कैंसिल होगी इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए तो उन्होंने कहा भी मैं 100% गारंटी देता हूँ ना भर्ती कैंसिल होगी ना रिजल्ट रिवाइज होगा जो रिजल्ट दिया है ना इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ेंगे हम लेकिन ये रिजल्ट नहीं लेगा तुम्हारा ये बात गारंटी है। लेकिन वो गुस्सा इसलिए हो रहे थे कि कई अपोजिट वाले बच्चे होते हैं जैसे हर एक चीज़ में होते ही हैं तो वो थोड़ा सा उपद्रव फैला रहे हैं उसकी वजह से हम मतलब सिलेक्टेड वाले जो भी बदनाम हो जाते हैं तो वो स्टार्टिंग में गुस्सा थे। फिर उनको हमने बताया आराम से कि इसलिए हम तो रिक्वेस्ट करने आए हैं सर ये पूछने आए हैं कि HSC टाइम क्यों मांग रही है। फिर उन्होंने हमें सारी बात बताई थी कि 17 अगस्त से पहले पहले हम रिप्लाई दायर कर देंगे और जो भी रिप्लाई है वो कल परसों में तैयार कर देंगे और तैयार करने के बाद 2 दिन में वहाँ दे आएंगे तो रिप्लाई वहाँ पहले पहुँच जाएगा उसके बाद उस पर बहस होगी जो भी है। अब इन्होंने कहा जैसे पहले जो डाटा मांगा था ना 50 बच्चों का और वो हम सारा दे रहे हैं टाइम टू टाइम लेकिन अब की बार नहीं दे पाए क्योंकि इसमें हमने चेंजमेंट किया है इन्होंने 10-10 बच्चों का डाटा मांगा तो बात मान लो उन्होंने पहले बता दी थी। हाँ लेकिन वही चेयरमैन साहब ने कही है वही चेयरमैन साहब ने कहा है ज्वाइनिंग को लेके बोले हैं वो कि हम ज्वाइनिंग तो बाद में करवाएंगे अब कोर्ट के क्योंकि हम ऐसा कोई स्टेप नहीं ले सकते जिससे आगे भविष्य में कोई बच्चों को दिक्कत आए अगस्त के लास्ट तक ना वो उन्होंने बोला कि कोर्ट से जो मामला खत्म करवा के फिर ज्वाइनिंग करवाएंगे ताकि किसी बच्चों को कल को कोई दिक्कत ना आए। फिर वो बड़काली जो बड़ कह रहे हैं कि इलेक्शन आगे ना ना इलेक्शन आगे नहीं इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि आप ऐसे करो 2-3 दिन में हम रिप्लाई दे देंगे 2-3 दिन में रिप्लाई देने के बाद ये हम कोर्ट में बहस नहीं कर सकते उस टाइम ये समझाना कोर्ट में बस की बात नहीं होती उनको पहले जिन्हें देखो ये जो डाटा जाएगा ना 100-200 बच्चों का ये सील बंद जाएगा और वो जज साहब ही देख सकते हैं तो जज साहब को वो वहीं बैठ के समझाएंगे पहले समझाने के बाद वहाँ तो कोर्ट में फैसला होगा ठीक है ना। एक मिनट पूछो भाई साहब चलो भाई एक को जो रिजल्ट के ऊपर हमने बात करी थी हम यूँ बोला कि ये स्टे क्यों लगी यूँ बोला तुमने लगवाई सिद्ध हमारे से ये बोले कि तुम लोगों ने लगवाई स्टे ये जब हमारा लठ दे देगी तो हम यूँ बोला कि बार बार कि ये रिजल्ट निकाल दो रिजल्ट निकाल दो रिजल्ट निकाल दो हम सारी कैलकुलेशन कर रहे थे बिल्कुल फेयर काम कर रहे थे लेकिन हमने जल्दी जल्दी दिलाया तो इसके ऊपर ही ऑब्जेक्शन आ गया इस वजह से स्टे लग गई अदरवाइज़ ये भी नहीं आती। और भाई फिर मैं यूँ खुद खुला बोला मैं बोला साहब ये बताओ इसको आप लॉलीपॉप तो नहीं दे रहे हो हमें मैं सिद्ध यही बात बोला तो उन्होंने एक ही बात कही यूँ बोला भाई 100% लिख के देता हूँ कि न तो रिजल्ट रिवाइज होगा और न ही भर्ती कैंसिल होगी और जो गदर मचाने वाले लोग हैं वो मैं उनके कानों में निकाला है मुझे वो हमारे में से एक भी नहीं है और कोई ना कोई अनसिलेक्टेड है अनसिलेक्टेड भी 2 टाइप के मैं एक बार पहले वीडियो में बताया था भाई एक तो सच में दुख पाए रहा है और एक बिना ये बात कर रहा है कि मैं तो है नहीं होना ही कभी नहीं देवा उन भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा भाई और बहुत ज़्यादा भर्तियाँ निकल रही हैं उनकी तैयारी करो ना अपना दिमाग ख़राब करो ना हमारा करो भाई। प्रवीण भाई बोलो तो अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ आज जो पंचकूला मिले हैं ना हम इससे हमारी बहुत सारी डाउट क्लियर होगी बहुत सारी इसके आगे हमें क्या स्टेप लेना है वो हम कल परसों तक आपको बता देंगे। और अपना एक ग्रुप है HR कांस्टेबल भर्ती 22 उस ग्रुप में सारे बच्चे ऐड हो जाना सिलेक्टेड है जो उसका लिंक वीडियो में मिल जाएगा आपको इस वीडियो में और उसी में आ जाना। अभी हम
आज चेयरमैन साहब से बात करके एक प्लान हमारे मन में आया है, उन्होंने भी कुछ मतलब ऐसे मान लो हमें हिंट दिया है, जो भी है वो प्लान हम कल आपको बता देंगे आगे जो वीडियो बनाएंगे। पहले हम सारा डिस्कस करते हैं, 50 जो बच्चे हैं ना हमारे जानकार जानकार ग्रुप में, जो एडमिन लगा लो कैसे भी है, सारे आपस में डिस्कस करके वो प्लान करेंगे और उससे हमारा काम पूरा फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये समझा, ये प्लान कितना गया बीच में? प्लान भाई साहब ये है कि आगे का जो क्या करना, कई बच्चे पता है क्या करते हैं, अब विपक्ष की पार्टी में बात जाएंगे, वो कहेंगे भी वहाँ आगे मतलब तुम क्या कर रहे हो यार, गुट मैं बताऊँ मतलब ये बात ये कर रहा हूँ भाई, करो ना यार ये क्या प्लान बनेंगे फिर आगे बताओगे। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो, प्लान ये बनेगा कि जैसे कई है ना विपक्ष की पार्टी में जाएंगे उनको साथ लेके फिर रोड पे उतरेंगे, ये चीज करनी नहीं है भाई। आप इस चीज का भाई आप यूँ बताओ, अरे रुको कोई बात नहीं भाई ने बोल दी कोई बात नहीं, इसको कहने नहीं आई, मैं बताता हूँ भाई। पोटा भाई एक बात बताओ, 100% श्योर हो सारा सिलेक्टेड ही है ये आ रहे हैं? हाँ ये कुछ तो सिलेक्टेड है, कुछ उनके गेल आ रहे हैं? नहीं भाई 1% अगर होया मान लीजिए के है भाई, कुछ एक भाइयों को चलो सारा भाइया साथ है, कोई गुटबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्लान नहीं। मैं बताता हूँ जो बात होगी सीधी चैनल पर आके कहवा भाई, और अब बता दूँ फिलहाल की जो रिसेंटली और करेंटली बात है ना, केवल यही है, कोई ये नहीं है कि हमारे अंदर कोई और दूसरी बात रह गई हो। ये है भाई कि ज्वाइनिंग अति शीघ्र होने वाली है, आपको बता देता हूँ मैं, जो थोड़ा मोटा रिप्लाई है वो क्लियर होने वाला है। पोटा कुछ कहना चाहो बोल भाई। तुमने मान लो ये बता दी बढ़िया बात है कि जल्दी कार्रवाई करते हैं, बिल्कुल सारे डाउट क्लियर कर रहे हैं, मतलब बीच में नूता मत कहो यार। कौन सी एक मिनट, चार दिन की जरूरत पड़ी तो ना प्लान नहीं बना, आगे प्लान नहीं बनेगा भाई, अगर हम नहीं करा हम ना अडाणी को रुपये दे रहे हैं, तुमको और बालक दे रहे हैं, तो बाजी जितने वाले कर रहे हैं उनको और दे रहे हैं अपने सारे घर तक सारे सोच रहे हैं यार। तो प्लान प्लान भी कुछ चीज कॉन्फिडेंशियल हुआ यार, यूं ना होता तो बीच में रुक के मार लग जा रोड पे भाई। ना ना सही बात, जो चीज हुआ ना सारे भाई बीच में होगा कुछ, वो है अनसेलेक्टेड कैंडिडेट है, जिस तरह ही अनसेलेक्टेड कैंडिडेट आके जिस तरह अनसेलेक्टेड कैंडिडेट है वो आके रोड के ऊपर धरना प्रदर्शन करें किसी पार्टी के, जिस तरह वो पार्टी वाले नहीं आए थे बोले हम ही न्यू हार उसके यहाँ फलानी पार्टी का, हम तारा सपोर्ट करेंगे 8 तारीख ने विधानसभा में उठाओ ये बात ने, इस तरह आके और वो गदर मचाओगे तो नाम किसका होगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट का होगा। डिले तो करवा लिया हमने, इसलिए रिजल्ट डिले हुआ था इसी बात से भाई। और रही बात सीएम का पुतला फूंक के भाई, सीएम का पुतला फूंक के बन जाओगे इंस्पेक्टर भाई, था यह बता दो यार। नहीं दूसरी बात अभी इस टाइप की कोई हरकत नहीं करनी, नहीं मतलब ये है हमारा इस टाइप की कोई हरकत नहीं करनी भैया, हमें ठीक है यही प्लान है। और आप प्लान एक मिनट जो आप प्लान की बात कर रहे हो पोटे भाई, उसमें ये होता है कि हमारा ग्रुप बना हुआ है और भी कोई रिप्लाई करना पड़ा, हमारा ग्रुप बना हुआ है ना, एक मिनट सही बात है, एक मिनट जो आज बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये प्लान कहाँ बना था, ग्रुप में बना था, पहले किसी को नहीं पता था, अब आगे पता निकल को क्या बन जाए तो वो चीज अभी कैसे बता सकते हैं हम ये बताओ। नाम का यह चीज सही होगी मान लो, ये क्या लग रहे हैं भाई, अब मेरी बात सुन लो, जो अंदर बात हुई है वो फाइनल बात करता हूँ ठीक है ना, 4-5 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो अर्जेंट हियरिंग का हमने बोल दिया, वो बोले हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी बार, अभी 3-4 दिन में रिप्लाई दायर कर देंगे, जो मांगा ना 17 तारीख को उससे पहले पहले करके उनको समझाएंगे ताकि 17 तारीख को फैसला हो जाए, पहली बात तो यह। दूसरी बात कि 21वीं परसेंटाइल में एक्स्ट्रा नंबर वगैरह जोड़ रखे हैं, ये बोले हमारे पास खुद के पास प्रूफ पड़ा है और एजेंसी का बंदा आएगा वो भी क्लियर करवाएगा सारा, आई जी साहब को कह के जज साहब तक बात जाएगी। तीसरा पॉइंट ये था कि लड़कियों में बाद में नॉर्मलाइजेशन का नोटिस दिया था, ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन इसमें मैं बता दूं चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि ये बाद में बना हुआ है, लेकिन ये इतना बाद में नहीं बना कि मतलब रिजल्ट भी आ गया सारा काम हो गया, उससे फ़र्क क्या पड़ता, ये पेपर होते ही हो गया था और उससे फ़र्क क्या पड़ जाता अगर हम 4 दिन पहले बता देते तो, मतलब ऐसे कह देते थे कि लड़कियों के पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा, इतना ही कह देते 1 दिन पहले तो क्या कर लेते आप, आपके रिजल्ट में आपकी पढ़ाई में कुछ चेंज मिल रहा जाता। मैं कह ठीक है सर इस बात से आपकी संतुष्ट है, हम नहीं आ जाता। तो उन्होंने कहा है कि जो आंसर की आती है ना उससे पहले पहले हमने नोटिस दे दिया था ताकि किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो अपना लगा के उसके बाद हम रिजल्ट दें, तो इसमें किसी को ये ना लगे कि मेरा रिजल्ट बाद में आया पहले आया, क्योंकि हमें किसी को नहीं पता कौन सेलेक्ट होगा कौन नहीं होगा। और तीसरी बात ये थी एजी साहब को भेजने की, तो उन्होंने कहा कि हम एजी साहब को ये फार्मूला समझाएंगे और वो जाके जज साहिबा को समझाएंगे, अगर फिर भी उनसे नहीं बात बनी तो हमारे एक दो लीगल एडवाइज़र हैं ये जाएंगे और ये समझा के सारा मामला तारा निपटा देंगे। 17 तारीख को उन्होंने कहा है कि हम एजी साहब को 17 से पहले भेजेंगे, 17 से पहले भेजेंगे और जाके उनको सारा समझा के ताकि 17 को तो फैसला ही हो जाए, लेकिन अभी एक थोड़ा सा अनु बोले अभी जज साहिबा की खुद की वो बन गया ना बिना पूछे रिजल्ट दे दिया तो वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ में टाइम लग रहा है। और सवाल पूछो भाई, एक बात पूरे किट में है भाई, 17 से पहले एक बार आके सारे कंफर्म
5-7 जने कंफर्म आके कर लिए, जवाब दिया भी है या नहीं। अभी इधर करो, यही तो प्लान बता रहा था ना, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, यही प्लान बता रहे थे। और कोई ये नहीं की यहाँ आगे हम प्रोटेस्ट करेंगे। अभी एक बात मैं बताऊँ, अब मेरी बात सुनो भाई, एक मिनट एक मिनट, अब मेरी बात सुनो भाई, अब जितने यूट्यूबर है, 5-4 दिन का टाइम और होना था भाई, एक मिनट, अभी जो इतनी वीडियो बन रही है ना, ये वीडियो डेली डेली नहीं बन सकती भाई। अब मेरी बात सुनो, आज इतने यहाँ पे आए हुए हैं, अभी यहाँ पे 5-6 बंदे ऐसे आए हुए हैं जो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, जैसे पोटा भाई हो गया, एमडी टू रीडर हो गई, तो ये चीजें हमें ग्रुप में ही शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है ना, ये चीज ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं हम कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना, इसी चीज को, ये चीज है ना, आगे आगे का जो प्लान होगा हमारा, वो ऐसे तो नहीं है ना सारे यूट्यूबर आ जाएंगे उनके साथ हम बैठ के बना लेंगे, नहीं बना सकते भाई, बार बार एक दो जना सकते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सारे जो ग्रुप मेट हो जाओगे तो वहाँ सारी बात बता देंगे आगे प्लान क्या बनेगा, मतलब ट्विटर कैंपेन होगा क्या नहीं, ये इस तरह की बातें सारी ग्रुप में बता देंगे आप, ये जो वीडियो बन रही है ना, हाँ बिल्कुल, यह बात किसी चीज की जरूरत होगी ना वो बता दी जाओगी, ट्विटर कैंपेन की जरूरत पड़ेगी तो ट्विटर कैंपेन वो बताए वह बताई जाएगी, आने होगा तो आने की बता देंगे, बस आज जो बात हुई ना वो बता दी, सो बता की एक बात यार, ज्वाइनिंग का ये है, इन्होंने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि जो भी कोर्ट में प्रोसेस चल रहा है उसको जड़ से खत्म कर दे पहले, आगे दिक्कत ना हो, आगे भविष्य में किसी को ये नहीं लगे भी मैं ज्वाइन तो हो गया लेकिन कल कोर्ट रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी का मान ले आ जाए भाई तो क्या नहीं थे, करेटा आ जाए मान ले कह ले किसी भाई का, फिर यार मेडिकल ऐसे पहले नहीं करवा सकते ना ये प्रोसेस, ये बोले हम पहले कोर्ट से मामला खत्म करने का प्रोपेगेंडा बना लिया हमने, पहले यही करेंगे, काम है वैसे भी मेडिकल करवाना है ना क्या है, और आगे का काम रहता है, यही लिस्ट भेजेंगे ना यहाँ से, क्लियरिफिकेशन देके भेजेंगे ना उसके बाद मेडिकल का काम, भाई किसी और भाई का नेगेटिव हो रहा थोड़ा बहुत बता दो, और भी भाई डर रहा हो भाई, एक मिनट हम तो कई दिन से कह रहे हैं आपको।